हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन की। क्या है परसेप्शन? कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे परसेप्शन की और एरर्स इन परसेप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन, व्हाट इज परसेप्शन? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे परसेप्शन क्या है। अगर अब मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ तो परसेप्शन है क्या? परसेप्शन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मेंटली यू स्टिमुलेट योर सेंसोरी ऑर्गेन एंड यू हैव टू ऑब्जर्विंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि आपको अब क्या करना है, अपने मेंटल प्रोसेस को स्टिमुलेट करना है, अपने सेंसोरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना है फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए। और एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको आपको प्रॉपरली रिसीव करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। तो वो क्या है? आपका परसेप्शन है। ठीक है, परसेप्शन क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंसोरी स्टिमुलाई टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट है उनको आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट देना है विद द हेल्प ऑफ योर सेंसोरी ऑर्गन एंड योर मेंटल प्रोसेस। आप जो भी आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है उसके थ्रू आपने क्या किया, अपने सेंसोरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट किया अबाउट किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और एनवायरनमेंट में जितने भी स्टिमुलाई है उनके लिए। उसके बाद आपने एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वहां पे क्या करी, डिटरमाइन करी। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या है, परसेप्शन। किसके लिए? उस एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो परसेप्शन है वो क्या, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मेंटली यू हैव टू ऑब्जर्विंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग समथिंग दैट वी सी और हेयर इन आवर माइंड एंड यूज इट लेटर टू जज एंड गिव ए वर्डिक्ट सिचुएशन पर्सन ग्रुप एटसेट्रा। अब हम जनरली परसेप्शन की बात कर रहे हैं। परसेप्शन क्या है? व्हाट वी सी, जो भी हमने देखा, जो भी हमने सुना, उसके बाद अपने मेंटली प्रोसेस के थ्रू हमने उनको एक मीनिंग, एक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सीइंग पावर एंड हियरिंग पावर, जो भी हमने सुना है, जो भी हमने देखा है, उसके बाद हमने सारी चीज़ों को प्रॉपरली इवेल्युएट करा, एनालिसिस करी, इंटरप्रेटिंग करी वहाँ पे, और उसके बाद एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट उन्हें दे दिया। तो वो हमारा परसेप्शन है उस एनवायरनमेंट के लिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, परसेप्शन। अगर सिंपली मैं परसेप्शन की बात करूँ, परसेप्शनल इज अ डायनामिक प्रोसेस कह सकते हैं। हाँ, चेंज होता रहता है। ठीक है, परसेप्शन क्या है? जस्ट सपोज देयर इज अ एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट है। अब उस एनवायरनमेंट में जैसे सपोज मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ तो जो ट्रैवल करते टाइम मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो मेरे लिए एनवायरनमेंट है। ठीक है, और उस एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है वो मेरे लिए क्या है, स्टिमुलाई है। मैंने क्या करा, वो मेरे लिए स्टिमुलाई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मेंटल प्रोसेस के थ्रू उन स्टिमुलाई को, जिनको मैं देख पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ, उनको मैंने क्या करा, रिसीव करा, ऑर्गेनाइज करा। ठीक है, अपने आप, अपने मेंटल प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद मैंने उनको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ, दिस इज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो क्या है, मेरा परसेप्शन है उस एनवायरनमेंट के लिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कंज्यूमर से कोरिलेट करते हुए चलें तो कंज्यूमर, हर कंज्यूमर का अपना अपना परसेप्शन होता है। अगर मैं बात करूं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो जी हाँ, प्रोडक्ट के लिए अपना अपना परसेप्शन होता है। किसी कंज्यूमर को कोई एक प्रोडक्ट पसंद आता है, किसी कंज्यूमर को सेम वही प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर की परसेप्शन पावर पर डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परसीव कर रहा है और उसके बाद किस तरीके से उसके लिए वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो भी बिहेवियर है वो क्या है, उसका परसेप्शन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। व्हाइल ऑब्जर्विंग अदर इन वन डे टू डे लाइफ, पीपल टेंड टू कमिट एरर्स ड्यू टू फॉल्टी परसेप्चुअल प्रोसेस एंड मेक एज रॉन्ग डिसीजन। अब हम बात करते हैं किसकी, एरर्स की। जैसे सपोज हम बात करते हैं परसेप्शन, अब जो भी आपने परसीव किया, जरूरी नहीं कि हाँ वो सारी चीजें एक्चुअल में भी सेम वही चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये हमारे मेंटल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे जो थिंकिंग पावर है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्चुअली हम एनवायरनमेंट को परसीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की, तो मैनेजर क्या है, मैनेजर मैक्सिमम टाइम मैनेजर मस्ट बी परसीव एनवायरनमेंट एक्चुअली।
ठीक है। मैनेजर को क्या है, एनवायरमेंट एक्चुअली परसीव करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग कर रहा है उस एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। जैसे मैनेजर क्या है, बहुत सारे उसके अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, सबको प्रॉपरली वो परसीव कर रहा है कि कौन एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, इसका क्या वर्किंग प्रोसेस है। अगर कोई रीज़न है, सपोज कोई भी टेंडेंसी है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ, वो सारी चीज़ें वो क्या प्रॉपरली परसीव कर रहा है। अब मैनेजर प्रॉपरली परसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मैनेजर की परसेप्चुअल पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हाँ, अगर हम बात करें कि जैसा नहीं हो रहा है वैसा वो परसीव कर रहा है, या फिर जैसा हो रहा है वैसा ही वो परसीव कर रहा है, लेकिन मैनेजर को वो सारी चीज़ें एक्चुअली परसीव करनी चाहिए, ठीक है, तभी वो उनसे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जर्नली किसी पीपल की बात करूँ, जैसे सपोज मैंने अभी एक एग्जांपल कोट किया था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब ट्रैवल करते टाइम मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। अब वाकई में क्या एक्चुअल में वैसा, जो भी मैंने अपना परसेप्शन बनाया उस एनवायरनमेंट के लिए, वाकई में क्या वैसा हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये मेरे परसेप्चुअल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम बहुत सारे परसेप्चुअल एरर काउंट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे इस टॉपिक में, एरर्स इन परसेप्शन, ठीक है। तो जनरली हम बात कर रहे हैं पहले परसेप्शन की। परसेप्शन क्या है, परसेप्शन इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट एंड व्हाट यू आर परसीविंग अकॉर्डिंग टू योर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो वो आपका क्या है, परसेप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ एरर्स की, एरर्स इन परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन, प्रोजेक्शन, स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट और कंट्रास्ट इफेक्ट। चलिए बात करते हैं एरर्स इन परसेप्शन में। फर्स्ट है सिलेक्टिव परसेप्शन। Selective perception, it is a tendency to observe people selectively and accordingly interpret based on their interest, background, experience and attitude, ठीक है। Selective perception की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे सपोज मैं अपने बेसिस पे ही पूरे एनवायरमेंट को परसीव कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो भी सिलेक्टिव परसेप्शन है किसी भी चीज़ के लिए, उसके बेसिस पे ही मैंने दूसरों को भी परसीव किया कि हाँ, दूसरा भी वैसा ही जा रहा है, दूसरा भी वैसा ही देख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल के जरिए और अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर विल फोकस ऑन मार्केटिंग रिसर्च एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। मार्केटिंग मैनेजर है वो हमेशा क्या है, मार्केटिंग रिसर्च और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज पे ही क्या कर रहा है, फोकस करता है, उसी हिसाब से सारी चीज़ों को परसीव करता है। उसको हर एक एक्टिविटी में यही दिखता है कि हाँ, हम किस तरीके से इसको प्रॉपरली मार्केटिंग की एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यही सारी चीज़ें दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरे भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो वो उसका क्या है, एरर परसेप्शन है, किसमें, सिलेक्टिव परसेप्शन में। जरूरी नहीं है कि अगर मार्केटिंग टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबका सेम यही प्रोसेस, सेम इसी तरीके से परसेप्शन हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात करें सिलेक्टिव परसेप्शन, तो वो क्या है, एक एरर का काम कर रहा है किसमें, परसेप्शन में। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑलवेज लाइकली टू आइडेंटिफाई द नीड टू स्ट्रेंथ द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन मैनेजर हमेशा स्ट्रेंथ की डिटर्मिनेशन कर रहा है वहाँ पे, किसमें, प्रोडक्शन सिस्टम में। अब जरूरी नहीं है सारे सुपरवाइजर सेम इसी कैटेगरी के हों, लेकिन अगर वो इस तरीके से सारे सुपरवाइजर को परसीव कर रहा है, तो वो उसका क्या है, रॉन्ग परसेप्शन है, एररफुल परसेप्शन है, ठीक है। तो वो फर्स्ट था सिलेक्टिव परसेप्शन। सेकेंड हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन, इट इज टेंडेंसी टू असाइन वन ओन पर्सनल एट्रीब्यूट टू अदर्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अ मैनेजर हु इज करप्ट will tend to project that all other are also corrupt like them, ठीक है। अगर जैसे सपोज मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बाकी सब में सब लोग गलत कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, प्रोजेक्शन एरर है, किसके लिए, दूसरों के लिए, कि जो एट्रीब्यूट, जो वर्च्यू मेरे अंदर है, वो जो नेगेटिव या पॉजिटिव वर्च्यू मेरे अंदर है, सेम वही दूसरों के अंदर भी होगा। ऐसा मैंने क्या करा, परसीव करा, मेरा परसेप्शन ये कह रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि जैसा सेम मैं हूँ वैसा ही सारी क्वालिटी दूसरे में, तो ये भी क्या है, प्रोजेक्शन एरर परसेप्शन है, ठीक है। सिमिलरली, अ मैनेजर हु लव्स चैलेंजिंग वर्क माइट प्रोजेक्ट दैट ऑल आर चैलेंजिंग वर्क, ठीक है। अगर कोई मैनेजर ऐसा है, उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे उसके टीम में जो काम कर रहे हैं सारे ही सेम इसी ही नेचर के हों, तो ये क्या है, एक प्रोजेक्शन एरर है परसेप्शन का। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग। इट इज टेंडेंसी टू जज पीपल बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ द ग्रुप विच ही बिलोंग टू, टेंड टू एट्रीब्यूट फेवरेबल और अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन वाइडली हेल्ड जनरलाइजेशन अबाउट ग्रुप। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप में हम बात करें, इट इज टेंडेंसी टू जज पीपल बेस्ड ऑन द परसेप्शन द ग्रुप, जिस भी ग्रुप से वो
बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से हमें उसका परसेप्शन सेट कर लिया। जैसे सपोज एक ग्रुप बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा मेंबर भी है जो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो लेकिन हमने उसको क्या करा, पॉजिटिव ही काउंट करा। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टीरियोटाइपिंग परसेप्शन हो गया उस इंडिविजुअल के लिए। हमने ग्रुप के बेसिस पे उसको प्रॉपरली पॉजिटिव परसीव कर लिया या नेगेटिव परसीव कर लिया, जैसे भी हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके की परसेप्शन को हम स्टीरियोटाइप परसेप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इट इज टेंडेंसी टू ड्रॉ अ जनरल ओवरऑल इंप्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन सिंगल स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक। अब जैसे सपोज मैं बात यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इफ अ पर्सन स्पीक कोई भी एक एम्प्लॉय बहुत फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेशन करता है, अब मैंने अपना परसेप्शन बना लिया कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो वो नॉलेजेबल भी होगा, कॉम्पिटेंट होगा, उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स होंगे। तो ये मेरा हेलो इफेक्ट एरर परसेप्शन हुआ उस इंडिविजुअल के लिए। जरूरी नहीं है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो उसके वो नॉलेजेबल भी है, उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी के लिए इस हिसाब से अपना परसेप्शन सेट कर रहा हूँ तो वो मेरा हेलो इफेक्ट परसेप्शन होगा, एररफुल परसेप्शन होगा उस इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंट्रास्ट इफेक्ट। इट इज टेंडेंसी टू इवेल्यूएट अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय जस्ट कंपेयरिंग विद अदर पीपल, ठीक है, हु हैपन टू एक्वायर हायर लव पोजिशन इन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इट इज टेंडेंसी टू इवेल्यूएट अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स इज जस्ट कंपेयर विद अदर, दूसरों के साथ कंपेयर करके चल रहा हूँ। जैसे सपोज मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, मुझे दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ वो तुम्हारा जो फ्रेंड है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो उसने टॉप किया है, ये है वो है। ठीक है, तो ऐसा आपको भी करना चाहिए, ये है वो है। तो इस तरीके के परसेप्शन को हम कंट्रास्ट इफेक्ट परसेप्शन में काउंट करते हैं, जो क्या है, एरर परसेप्शन में, परसेप्शन का ही एरर। ठीक है, तो ये थे कुछ एरर्स इन परसेप्शन।